कोविड के पेंडामिक पीरियड के बाद हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट खुद की करियर की दिशा तय करने के लिए एक स्टेज ढूंढ रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, कौन सी दिशा में मेरी करियर तय करूं। हमारे माननीय मुंबई अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह तिवाना जी ने हमें मौका दिया कि आप चांदीवली के युवाओं को, स्टूडेंटों को एक ऐसा मैसेज दीजिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ है और ये पेंडेमिक पीरियड के बाद आपको आपकी करियर की दिशा तय करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको मदद करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई के 36 विधानसभाओं में हम करियर दिशा नामक एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम, उसका एक शुरुआत आज हमने चांदीवली विधानसभा से हमने उसकी एक शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। और जैसे आपने देखा कि आज सैकड़ों युवाओं का एक सैलाब यहाँ पर था और कहीं ना कहीं हम युवक ये सोचते हैं कि मुंबई के जो युवा वर्ग हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए, इसमें हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए, इसलिए उनको सही दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम मुंबई भर में हमने उसकी शुरुआत आज से कर ली है और दिसंबर 15 तक मुंबई के सभी 36 विधानसभाओं में हम ये करियर दिशा का जो कार्यक्रम है जिसको हमने चार मुंबई के सभी जो युवा वर्ग है खास करके 10वीं और 12वीं के बच्चों से ये निवेदन है कि युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता आपके दरवाजे तक आ रहे हैं आपसे मिलने, आपसे आह्वान करने कि हम युवक चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसलिए आप भी योगदान दीजिए इसमें और थोड़ा समय निकाल कर एक गंभीरता से इस विषय को लीजिए और खुद के स्वयं के करियर के लिए, जो युवा हम बोलते हैं हमेशा कि देश का भविष्य है, तो ये भविष्य को आगे बढ़ाना है हम सबको मिलकर, इवन उसमें योगदान आपका स्वयं का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सभी युवा वर्ग मुंबई के आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मुंबई में जहाँ जहाँ पे करियर काउंसलिंग का एक करियर दिशा नामक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसमें भाग ले और गंभीरता से विषयों के ऊपर चर्चा करें अपने सह परिवार से और उसी दिशा में आगे चले, यही हम सबसे एक निवेदन करते हैं आज। ओके, सो ये जो करियर दिशा प्रोग्राम है इसका प्लानिंग हम लोग कम से कम लास्ट 4-5 मंथ से कर रहे थे, बिकॉज जब से लॉकडाउन के बाद, जब भी वैकेशन के बाद, अभी जो लेटेस्ट अप्रैल मई 2020 के बाद तेजिंदर जी ने मुझे बताया कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं जिससे यूथ को एक दिशा मिले, गाइडेंस मिले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट रियली अभी भी ऐसे हैं, बिकॉज जहाँ पर भी मैं भी करियर गाइडेंस के लेक्चर लेता हूँ, सो हम लोग भी शौक में रहते हैं कि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में भी, जैसे आपने तेजिंदर जी को बताया कि आपके समय में कोई गाइडेंस नहीं था, तो रियली हमारे समय में कोई गाइडेंस नहीं था, बट आज जो बच्चे लोगों को गाइडेंस मिल रहा है और आज जितने स्कोप्स भी अवेलेबल है इंडिया में एजुकेशन में, सो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे उनको ये नॉलेज भी मिल रहा है। एंड ये हम लोग, जैसे तेजिंदर जी ने बताया कि हम लोग 36 विधानसभा में टिल दिसंबर या जनवरी, बिकॉज ये जो सेशन है, ये जो प्रोग्राम है, उसका महत्व एग्ज़ाम के पहले ही होता है, बिकॉज इट मोटिवेट स्टूडेंट्स कि वो लोग भी ज़्यादा पढ़ाई करें। और सिंस मैं IT इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में हूँ, सेमेस्टर 6 चल रहा है मेरा अभी, सो ये सेमिनार बता रहा था कि 12th के बाद या फिर 10th के बाद किसी बच्चे को या किसको क्या कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए, सो इधर ये बहुत सारे डिस्कशंस हुई। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि मतलब अगर सपोज़ आप XYZ पर्सन हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कैसे बात करोगे, अगर हम दोनों किसी मीटिंग में हैं देन मुझे घड़ी नहीं देखना है, वो एक थिंग है, मैं घड़ी देख रहा हूँ मतलब मेरा आप में इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, सो ये सब चीज़ें, आपका बात करने का तरीका, जैसे मैं फॉर्म खड़ा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेट मेरा सीधा ध्यान है, सो दैट्स द थिंग। सो ये सारी चीज़ें इधर स्टूडेंट्स लोग को बताई गई थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बोला गया था, तो दिस अदर थिंग।